जय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोर शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी का और दोस्तों क्लास टेंथ हिंदी का शांत रस। शांत रस की परिभाषा दोस्तों आप सबको हम पांच महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ समझाएंगे और दोस्तों आप सबका महत्वपूर्ण दो तीन नंबर, दो से ढाई नंबर दोस्तों आप सबका क्लास ट्वेल्थ, दो से ढाई नंबर क्लास टेंथ का, दोस्तों मिला के पांच नंबर का दोस्तों वीडियो आप सबका मिलने वाला है 100%। आप सबको दोस्तों हम यहाँ बता रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे शांत रस की परिभाषा, जिसका दोस्तों स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद दोस्तों इसकी स्थायी भाव होता है, इसको अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और दोस्तों आप सबको इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम एग्जाम नोट पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। सभी बच्चे वहां पे, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी जाके वहां से आराम से डाउनलोड करके पढ़िए। बिल्कुल नोट्स भी फ्री में मिल रहा है दोस्तों आप सबको, ठीक है, जाके वहां से लीजिएगा। जब मनुष्य, याद रखिएगा परिभाषा, जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों, तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। भाई साहब याद हो गया कि नहीं हो गया, एक बार में दोस्तों ऐसा आप सबको लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छे से दोस्तों सर हमको बता दिए हैं, जो दोस्तों आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि दोस्तों शांत रस क्या होता है। जब मनुष्य मोह माया यानी दोस्तों सांसारिक जो मोह माया है इसको त्याग कर दोस्तों क्या होता है, अपने दोस्तों सांसारिक कार्यों को त्याग कर मुक्त होकर और दोस्तों वैराग्य धारण कर लेता है और परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो दोस्तों मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे दोस्तों शांत रस कहते हैं, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। अब दोस्तों इसका उदाहरण देखेंगे, जो पांच महत्वपूर्ण उदाहरण है देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों क्या, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। जहां सुमति दोस्तों जहां पे अच्छे काम और दोस्तों अच्छे वर्क होते हैं वहां दोस्तों क्या होता है, वहां पे दोस्तों बहुत ही शांति मिलती है। बट दोस्तों जहां पे कुमति होता है, कुमार्ग पे लोग गलत काम करते हैं दोस्तों, वहां पे क्या होता है, विपत्ति आती है दोस्तों, तकलीफ होता है दोस्तों, इंसान खुश नहीं रहता है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कबीर कहा गरीबियों देख देह देख सुरंग बिछड़या मिलिबो नहीं जीव काजली भुजंग, ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, मन रे कागज का पुतला लागी बूंद बिछरियाई क्षण में, यानी दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों सब शांत रस के हैं, कितना दोस्तों इन सबको पढ़ने से शांति महसूस होती है आप सब खुद एहसास कर पा रहे होंगे कि दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ है। देखिएगा क्या है, माटी कहे कुहार से तू क्या रौंदे मुंह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए, ठीक है दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है। ये भी दोस्तों शांत रस का एक महत्वपूर्ण और दोस्तों अद्भुत दोस्तों क्या है, उदाहरण है। अब दोस्तों नेक्स्ट बताएंगे, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारिक है मन का फेर। यानी दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि दोस्तों माला फेरने से कुछ नहीं होता है ना दोस्तों, बस अच्छे से आप सब क्या करिएगा दोस्तों, इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है दोस्तों, यही आप सबके पेपर में आते हैं, इससे बाहर नहीं आता है, हर साल दोस्तों यही घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो इसको दोस्तों अच्छे से देखिएगा, यही दोस्तों आप सबके पहचानने के लिए आपके एग्जाम में आएगा, तो आप सब अच्छे से पहचान सकते हैं या दोस्तों एक बार अच्छे से इसको देख के याद करके जाएंगे तो, ठीक है। चलिए दोस्तों आप सबको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बड़ा सा लाइक करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सबके दोस्तों फीडबैक से ही दोस्तों हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और दोस्तों हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही दोस्तों मेहनत और करते हैं आप सबके लिए दोस्तों। देखिएगा एक एक दिन में दोस्तों बहुत सारे तीन तीन चार चार वीडियो पांच पांच वीडियो दोस्तों अपलोड कर रहे हैं सिर्फ आप सबके लिए, तो दोस्तों आप सब एक बड़ा सा लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे दोस्तों हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप सबको मिलता रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों आप सबको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम भारत माता की जय।